नमस्कार, मैं हूं निर्मल सिंह और आप देख रहे हैं फास्ट वन न्यूज। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे हस्ती से करवाता हूं जो कि लिखने में बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने लेटेस्ट अभी एक किताब लिखी है, सफलता की ऊंची छलांग। आइए मिलवाते हैं जॉली अंकल से। जॉली अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जनाब। आपने ये जो किताब लिखी है सफलता, तो मैं ये कहूंगा जनता को कैसे आप हमें बताएंगे, किताब तो आपने लिखी दी है जी, लेकिन जनता को थोड़ा सा आप बताने का प्रयास करें कि ये कैसे लोग पढ़े, अध्ययन मनन करने के बाद कैसे ये जो है ना ऊंची छलांग लगाकर जनता जो है आपके गुणगान करे और आपको थैंक्स करे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। देखो, इससे पहले मैंने तकरीबन 35 किताबें लिखी। जैसे जैसे समय, हालात और समाज में बदलाव होता है, उसी के अकॉर्डिंगली जैसे हमारे युवा सोचते हैं, क्योंकि आज अधिकतर जो किताब खरीदने वाले और पढ़ने वाले हैं वो हमारी युवा पीढ़ी है। 15 से लेके 35-40 का जो एज ग्रुप है, मैक्सिमम ये लोग किताब खरीदते और पढ़ते हैं। तो उनके माइंडसेट और उनकी जरूरत को ध्यान में रख के मैं हमेशा किताब लिखता हूँ। तो इससे पहले शुरू में मैं कहानियों की लंबी लंबी बड़ी कहानियों की किताबें लिखता था, लेकिन अब समय बदल गया, अब लोगों के पास टाइम नहीं है। सोशल मीडिया बहुत हावी हो चुका है। सुबह आंख खुलती है तो हम सबसे पहले अपना फोन को या दूसरे जो मीडियम्स हैं हमारे, हम उसको देखते हैं, और चारों तरफ से एक्चुअली डेटा इतना ज्यादा आ रहा है कि आज युवा जो है वो कंफ्यूज हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा कि किस डायरेक्शन में उसको जाना। आपने कैसे समझाने का प्रयास किया है ये युवा शक्ति जो हमारे भारतवर्ष की है या देश से विदेशों में भी आपकी किताबें जाती हैं जी, तो कैसे आप कन्विंस करेंगे बच्चों को या मतलब यहाँ के दर्शकों को कि आपकी ये बुक पढ़ने के बाद क्या करें वो, ताकि जो है उड़ने के बाद जो है छलांग लगाने के बाद वो अपना मुकाम जो है वो प्राप्त कर सके। आज का युवा, मैं कह सकता हूं कि मेरी उम्र के जो लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी में पिछले 15 से 20 साल में बदलाव आया है और स्पेशली जो पिछले 10 साल में तेजी से बदलाव आया है, वो चीज शायद हमने 50 साल तक नहीं देखी थी। हमने टेलीफोन जो बड़ा सा बक्सा सा होता था वो भी जाके तकरीबन 18-20 साल की उम्र में देखा था। आज बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ में स्मार्टफोन होता है, तो स्मार्टफोन का मतलब है कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, गूगल, दुनिया की किसी बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी चाहिए, एक सेकंड में आपको वो बता देता है। सिर्फ दो चीजें गूगल नहीं बता पाता, एक हमारे मन में क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, वो डायरेक्शन तो दिखा सकता है लेकिन गोल हमें सेट करना है। हमारा मन किस चीज को पसंद करता है, किस फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक जो चीज हमें दिल से पसंद नहीं है, अगर हम उस लाइन में अपना कैरियर बनाने की कोशिश करते हैं तो वो एक बोझ बन के हमारे ऊपर रह जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स जो खुद बनना चाहते थे, करना चाहते थे, नहीं कर पाए, उनकी कोशिश ये होती है कि हम नहीं कर पाए तो चलो इसे अपने बच्चों के थ्रू करवाते हैं। वो उन पे दबाव डालते हैं कि आप इस लाइन में आओ। कोई फैक्ट्री चलाता तो वो कहता है कि आप मेरी फैक्ट्री संभालो ताकि मेरा नाम चलता रहे। डॉक्टर है तो वो कहते आप संक्षेप में, आजकल के बच्चे जो है उनके पास टाइम नहीं है, ये हम लोग समझते हैं, बिल्कुल ठीक। तो हम लोग उनको संक्षेप में बताएं, आप खासकर बताएं, जो आपकी किताब है उसको दिखाने का प्रयास करें कि कौन सी किताब है जिसको आपने जो है लिखा है जी। ये किताब सफलता की ऊंची छलांग, क्योंकि आज के युवा के सपने बहुत बड़े हैं, वो जल्दी से जल्दी अमीर होना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टेटस है उसको वो एंजॉय करना चाहते हैं। तो इस किताब में मैंने चैप्टर लंबे लंबे नहीं बनाए, बिल्कुल टू दी पॉइंट्स बनाए हैं, काफी संक्षेप में लिखा है, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं कि आप कोई भी किताब का पेज खोलिए, दिन में अगर आप सिर्फ 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट इसको देते हैं, तो मेरा प्रॉमिस है कि 30 दिन के बाद अगर आपका जो मेच्योरिटी लेवल है, जो आपके माइंड में कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है आपके माइंड में, आपको गोल समझ नहीं आ रहा, वो सारी चीजें
15 से 20 दिन मैक्सिमम 30 दिन में सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे और आप सच में अपनी जीवन की सबसे बड़ी छलांग लगा के सफलता हासिल कर सकते हैं। जी आप आज के यंग पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं, आज के देश के हालात जो हैं उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अफसोस होता है अभी जो दिल्ली में आजकल हालात चल रहे हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई, एक तरफ हम दावा करते हैं कि हमने सैटेलाइट के इतने रिकॉर्ड बना दिए, एक दिन में दुनिया में सबसे ज्यादा सैटेलाइट हमने छोड़े, लेकिन गलियों के झगड़े, फुटपाथ के झगड़े, इनको हम आज तक नहीं समझ पाए। ये जो लोग करते हैं मुझे नहीं समझ आता कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं या क्या इस झगड़े के बाद उनको हासिल होता है। तो मेरी सबसे यही है कि आप खुशी खुशी जियो और दूसरों को भी जीने दो। हर इंसान जो इस दुनिया में आया है, जो हमारे साथ रहता है, हमारी गुरबाणी में भी लिखा हुआ है, लोग सुबह शाम गुरुद्वारे मंदिर जितने भी हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, एक ही चीज कही जाती है कि मानस की जात सब एक है, हम सभी एक ही भाई बहन हैं। जो वो एक शक्ति है, उस शक्ति, जो भी उसे यूनिवर्स कह दो, कोई भी नाम दे दो, भगवान कह दो, कुछ भी कह दो, सब हम उसी के बच्चे हैं। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि जहां तक हो सके आपस में प्यार से मिलकर रहो। छोटी मोटी कोई बात होती है तो थोड़ा सा स्वभाव में ठंडापन रखना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, ताकि हम एक अच्छे समाज, आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा संदेश दे सकें कि किस तरह से एक परिवार की तरह हम रह सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर कि आपने मौका दिया। जैसा कि अभी जॉली अंकल ने कहा, मानस की जात सब एक पहचान, प्रेम प्यार से रहें और इनकी किताब जो लिखी है अध्ययन और मनन करें। 30 दिनों के लिए ये कहते हैं कि 30 दिनों के अंदर में आपके अंदर जरूर बदलाव आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।